कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार पर तीखा हमला किया है। प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार पर प्रदेश में शराब माफियाओं को मजबूत करने और शराब को लेकर बड़े सिंडिकेट को फायदा पहुंचाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद खराब है। रुड़की में एटीएम कार्ड से लाखों की लूट करने वालों का अब तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है। वहीं एनसीईआरटी की किताबों को लेकर भी सरकार ने कोई तैयारी नहीं की, उसकी कोई योजना नहीं है। साथ ही साथ इसी वजह से विकास का पहिया प्रदेश में पूरी तरह से जाम हो चुका है और राज्य सरकार थाईलैंड घूमने की तैयारी में है। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर है। इस प्रदेश के अंदर जब से सरकार का गठन हुआ है तब से लगातार आतिथि तक अपराधों में लगातार वृद्धि हुई है। तब चाहे मैं डकैती की बात करूं, लूट की बात करूं, हत्या की बात करूं, बलात्कार की बात करूं, लगातार इस प्रदेश के अंदर जो है अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन राज्य की सरकार उन अपराधों पर अंकुश लगाने में पूरी तरीके से विफल हुई है।